हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड टॉप। सो गाइस, बॉलीवुड के सबसे बड़े नेपोटिज्म ग्रैंड मास्टर करण जौहर की आए दिन कोई फोटो सामने आती है तो फिर कोई वीडियो, जो कि करण जौहर के लिए इस समय काफ़ी नेगेटिव साबित हो रहा है। ये सब कुछ कम था क्या कि करण जौहर की एक और कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया हैंडल पर सामने आई है, जिसमें कि आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर करण जौहर अपनी फिल्म को हिट कराने के लिए कौन कौन से दावपेच, कौन कौन से हथकंडे अपनाते हैं एंड इसके साथ ही वो औरों की फिल्म को नीचे गिराने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो आप खुद ही सुन लीजिए इस कॉल रिकॉर्डिंग को। सरकार सरकार जी, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। कहाँ, कहीं बाहर गए थे? हाँ, मैं बाहर गया था। आज ही आए? निकल आया। अच्छा। हाँ, बीच में न्यूज थी टाइम्स ऑफ इंडिया में दो फिल्मों की ना, क्या क्या नाम था एक वो? हाँ, सिकंदर और हाफिज। हाफिज कौन सी? वो है वो अबू धाबी वाली? हाँ, वही उसी के लिए गया था। करेक्ट ना? हाँ, उसी के लिए गया था। अच्छा, तो उसमें किसको ले रहे हैं? बता रहा हूँ आपको, एक हफ्ते भर में देता हूँ न्यूज, गुड न्यूज देता हूँ आपको। वेरी गुड, सुपर। हाँ, बहुत बढ़िया भाई जी। और भाई जी, अपना क्या, आपका कल क्या डाल दिया आपने? मैंने क्या डाल दिया कल? शिवाय का आपने क्यों ऐसा काम करते हो? कहाँ डाल दिया मैंने? अरे ट्विटर में डाला। कल तो नहीं, मैंने कुछ किया। कल परसों डाला था ना कि अपना करण जोर का कुछ लिखा, पहले लिखा उसके नीचे गाला शिवाय का कि हिम्मत वाला टू है ऐसा कुछ। अच्छा, हिम्मत वाला टू? क्या करते हो आप? अरे इतना करण जोर को क्यों फेवर कर रहे हो आप? अच्छा, वो तो दो तीन दिन पहले की बात है, कल का कहा है वो? नहीं, मेरे को कल अपना, मैंने कल देखा तो मैंने देखा, मैं था नहीं ना कल, देखा मैंने। दो दिन पहले की बात है। अरे क्यों अपना करण जोर को इतना फेवर कर रहे हो? फेवर नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ, करण जोहर की फिल्म के बारे में क्या बोला? करण जोहर की फिल्म के बारे में थोड़ा मैंने बोला। नहीं, अब उसके ऊपर करण जोहर की फिल्म के लिए आपने लिखा ना, अच्छा लिखा, लेकिन आपको शिवाय को बीच में घुसेड़ने की जरूरत क्या है? घुसेड़ने की जरूरत क्या है शिवाय को? नहीं, शिवाय का अलग ट्वीट था कहीं और करण जोहर का अलग ट्वीट था, दोनों अलग अलग थे, एक साथ में तो था ही। हाँ, एक साथ आगे पीछे था, ऊपर नीचे था, एक साथ ट्वीट मैंने कभी, हाँ ऊपर नीचे हो सकता है, तो शिवाय के साथ अधम का तो ट्वीट कभी। अरे अभी यार, अभी ऐसा तो मत करो ना, मतलब करण जोहर को आपने गोदी ले लिया क्या? करण जोहर भाई जी क्या करे, करण जोहर का थोड़ा सा तो करना पड़ता है ना। क्या अरे ऐसा मत करो ना यार, बता, देखो आप अपने हो, मतलब अच्छी बात थोड़ी है। नहीं, अच्छी बात तो कुछ नहीं है। हाँ, बट उसका तो देखो, उसका तो मैं फेवर करूंगा ही, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि उसका फेवर तो मुझे करना ही पड़ेगा भाई जी। जो आदमी 25 लाख भेजे उसको तो फेवर करना पड़ेगा ना। नहीं, कैसे नहीं करूंगा सर। 25 लाख दिए है, ठीक है, तो हमसे भी ले लेना ना, हम भी कुछ ना कुछ सपोर्ट कर देंगे। हम तो, अरे हम आपका तो हम बिना बिना पेट किए सपोर्ट करते, लेकिन आपका हीरो तो मतलब उसका क्या नाम है, मैं उसके बर्थडे पे शायद SMS भेजा था, उसका रिप्लाई तक नहीं करता भाई। आपका हीरो तो सर वो नहीं है, वो कहाँ करता। अरे बेचारे को, अरे वो आपको पता है नॉन सोशल आदमी है। हाँ तो मैं यही कह रहा हूँ ना, तो उसको कहाँ हमारी जरूरत है, वो तो खुद अपने आप चला लेगा अपनी फिल्म को। नहीं, फिल्म तो चलेगी, लेकिन भाई जी अच्छी बात नहीं है ना। देखो क्या है, आप देखो, आप खुद ही देख रहे होंगे कि किस तरह से लोगों ने उस पर रिएक्ट किया है। क्या आपकी क्रेडिट लिए 25 लाख रुपए में अपना कौन सा ही हो जाएगा? नहीं, तो हम जो आप बोलोगे कर देंगे भाई जी। कोई सो गाइस, करण जौहर के बारे में ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आपकी करण जौहर के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बॉलीवुड टॉप को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो का अपडेट आपको मिलती रहे।